अब आप पूछेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों इतना बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्या जरूरत है भारत स्वाभिमान की। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो योग और प्राणायाम सिखाते थे, आपने देखा है, सुना है, समझा है। अब जो व्यक्ति योग शिक्षक तैयार करने में लगा हो, जिस व्यक्ति ने योग और प्राणायाम को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करने का संकल्प ले रखा हो, उनको अचानक से ऐसा क्या हुआ कि योग और प्राणायाम के साथ देश की बात, भारत स्वाभिमान की बात और ये सब करना पड़ जाए। कारण उसका बहुत स्पष्ट है और वही बताने के लिए मैं आया हूँ। अपने भारत देश की वर्तमान जो दशा है और दिशा है, ये दोनों ही बहुत खराब है। देश की परिस्थिति ने हमको मजबूर किया है कि भारत स्वाभिमान नाम का हम अभियान शुरू करें और देश को कुछ सुधारने की कोशिश करें। आप बोलेंगे जी क्या खराबी है अपने देश में, आज़ादी आ गई है, 62 साल हो गए हैं। आज़ादी के पहले बहुत खराबियां थीं इस देश में, लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद भी बहुत सारी खराबियां इस देश में हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ कमियां, कुछ खराबियां हमारे देश की ऐसी हैं जो आज़ादी के 62 साल के बाद बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही।